कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो एक्टिंग करो। तुम क्या हो, दुनिया को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया तो वही मानती है जो वो देखती है। तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, इससे किसी को क्या लेना देना? दुनिया के सामने वैसे रहो जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है। यह दिल से नहीं, दिमाग से काम लो। तुम असल में शायद उतनी स्ट्रांग नहीं हो। सो लड़की के मामले में शुरुआत में एक्टिंग करो। जैसे फिल्म चल रहा है, तुम उसके हीरो हो और तुम्हें हीरोइन के सामने स्क्रिप्ट बोलनी है और एक्टिंग करनी है। ये ज़्यादा आसान होगा बजाय बात करने से डरने में और नर्वस होने में। वो अगले दिन आई। थर्ड फ्लोर के कोने में हमेशा बंद रहने वाले क्लासेस के सामने बंद पड़े हुए धूल खाए हुए पंखे के नीचे किताबों पर अपनी कोहनियाँ रखकर नीचे कॉलेज के बच्चों को चहलकदमी करती हुई देख रही थी। भगवान मुझ पर मेहरबान था, दूसरे दिन वे अकेली मिल गई। मैं पीछे से गया और हल्की सी आवाज़ में कहा, हाय। उसने हैरानी से पलट कर देखा और हेलो कहकर दोबारा नीचे बच्चों को देखते हुए अपने नाखून चबाने लगी। कुछ देर बाद उसने यूं ही मेरी तरफ अपना चेहरा पलटाया और देखा मैं वही खड़ा मुस्कुरा रहा हूँ। उसने यूं चेहरा बनाया जैसे मुझे हाय बोलकर वहाँ से चले जाना चाहिए था। चौंक कर बोली, जी कहिए। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आज मैं उसे आप कहकर नहीं पुकारा, वो मेरी बात नहीं मान रही तो मैं क्यों उसके पीछे आप करता हुआ भागूं? तेरी बड़ी अकड़ है तो हमारी भी है। उसने थोड़ा सोचकर कहा, भ्रमलोचा। मैंने कहा, भ्रमलोचा, वाओ, ये तो किसी अप्सरा का नाम है ना? हाँ, मेरी दादी जी ने रखा था। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम वो रामायण वगैरह पढ़ते हो क्या? मैंने कहा, नहीं, ये अप्सरा रामायण में नहीं है। वो हैरानी से सुनती जा रही थी और मैं बोलता जा रहा था, जानती हो भ्रमलोचा का मतलब होता है ब्रह्मांड की सबसे सुंदर आंखें, द आइजेस ऑफ यूनिवर्स। उसने वैसे ही खड़े खड़े नाटक के अंदाज में पूछा, ये सब कैसे पता चला? मैंने कहा, वो असल में तुम्हारा नाम मुझे पहले से पता था तो थोड़ा इंटरनेट पे सर्च किया। लड़के एक दो बातों में ही जान जाती है कि कौन सा लड़का सिर्फ बातें करने वाला है और कौन सा लड़का करतूतें करने वाला है। जब तुम लोग लड़की से लंबी लंबी बातें कर रहे होते हो, जब तुम उसे प्यार की आंख लगा रहे होते हो, तब कोई दूसरा लड़का कोई बहाना बनाकर दोस्त को छोड़ने आ रहा हो, मसाले हम तुम्हारे शहर से खरीदते हैं कहकर उसके शहर पहुंच भी जाता है। जब तुम पूछ ही रहे होते हो ना कि आओ, तू हाँ कहे तो टिकट बुक करवाओ, 8 घंटे का ट्रेन का सफ़र करूं, कि तुम मिलने की गारंटी दे तो मैं ऑफिस से छुट्टी लूं, तो तुम भूल जाते हो तुम्हारे कॉम्पिटिशन में कैसे कैसे शिकारी बैठे हैं, प्ले बॉयज, उनकी स्पीड के सामने तुम टिक ना पाओगे। मान लो अगर लड़की उड़ीसा में रहती है तो शिकारी सर्च करता है, मेहनत करता है कि उड़िया भाषा में कैसे कहा जाता है यू आर सो ब्यूटीफुल, और वो लड़की से बोल भी देता है, तुम्हें बहुत सुंदरा। तुम लोग तो सीधा लड़की से पूछ लेते हो तुम्हारी भाषा में कैसे बोलते हैं। भाई वो तो बता ही देगी, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ बातें। मैंने भ्रमलोचा का नाम पता किया, उसके नाम का मतलब सर्च किया, उसे कहने का तरीका ढूंढा, मैंने मेहनत की। तो लड़की को होना चाहिए इम्प्रेस, लेकिन ये क्या, उसे तो मेरे चेहरे से ज्यादा छत पर पड़ी धूल खाया हुआ पंखा नजर आ रहा था। छत की तरफ देखते हुए आंखें फिराते हुए वो दोबारा नीचे बच्चों को देखने लगी। खैर मैं चालू था, ये इस लड़की का दिल नहीं था, क्योंकि दिल तो प्यार मांगता है। मुझे पहले इस लड़की के दिमाग से टकराना होगा, दिमाग का जवाब दिमाग से देना होगा, मतलब एक्टिंग। तुम्हें दूसरे लोगों पर अच्छे एक्टिंग से अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन डालना चाहिए, लेकिन सामने वाले के एक्टिंग पर इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। जैसी वो शक्लें बना रही है उसे वैसा रिएक्शन मत दो, रिएक्शन वो दो जो तुम चाहते हो। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये लो स्क्रिप्ट, इसे अच्छी तरह रट लो और जाओ, वो जो सामने लड़की खड़ी है वो एक एक्ट्रेस है, तुम्हें जाकर बस उसके सामने ये डायलॉग्स बोलने हैं, वो पहले तुम्हें डांटेगी, डराएगी, दूसरी तरफ देखेगी, तुम्हें बस एक घुटने पर बैठकर उसके हाथ पकड़कर ये सब लाइंस बोलनी है, वो सुनना नहीं चाहेगी पर तुम्हें गाकर सुनाना होगा, तो तुम सही हो या गलत हो, तुम एक्टिंग कर लोगे ना? और बाद में मैं तुम्हें बताऊँ, ये कोई एक्टर नहीं है, कोई बेचारी यूं ही खड़ी थी, मैंने तुम्हें झूठ बोला था, लेकिन तुम्हें लगा ये ड्रामा चल रहा है, तुम्हें एक्टिंग ही करनी है, तुम्हें ये लाइंस बोलनी है, तो तुमने बोल दिया। मैं तुमसे कहता हूँ, लड़की को थोड़ी ना पता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, उसे तो बस यही सीन देखना है, कोई उसे प्यार करे, इजहार करे। हाँ, तुम्हें एक्टिंग ही करनी है, इसे एक्टिंग समझ कर करोगे तो करना आसान हो जाएगा। अभी तुम क्या हो, कैसे हो, ये बताने की जरूरत नहीं,
क्योंकि तुम्हारे अंदर शायद इतनी हिम्मत ना हो या तुम इतने रोमांटिक ना लगो। भ्रमलचा दूसरी तरफ देख रही थी और मेरा एक्टिंग चालू था। मैंने कहा, जानती हो जब मैंने तुम्हें पहली बार उस क्लास में देखा था, उसने स्लो मोशन में अपना चेहरा मेरी तरफ किया। तुम्हें देखकर मैंने सोचा पास के स्कूल से कोई बच्ची अपनी दीदी से मिलने आई है। उसने अजीब सा मुंह बनाकर पूछा, इतनी छोटी लगती हूँ क्या मैं? मैंने बेझिझक कहा, हाँ। उसने फिर किसी जासूस की तरह सिर टेढ़ा और आंखें छोटी करके शक भरी नजरों से मुस्कुराते हुए मुझे देखा। मैंने नया पैतरा फेंका और कहा, तुम्हारी आंखें सचमुच बहुत प्यारी हैं। अब वो अपना चेहरा नीची और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। मैंने टचिंग बैरियर तोड़ने के लिए कहा, लाओ मैं तुम्हारा हाथ देखता हूँ, देखते हैं फ्यूचर में क्या बनोगी। मैंने उसकी पतली सी कलाई पकड़ने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाया, लाओ देखते हैं तुम्हारी किस्मत में क्या है। मेरे झपट्टे से किसी हिरनी की तरह हाथ निकालते हुए वो बोली, एक मिनट डोंट टच मी। फिर उसी उंगली से हवा में उल्टा त्रिकोण बनाते हुए मेरे दो कंधों और पैरों को समेटते हुए बोली, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये मेरे साथ मत करो। मैंने कहा, क्या? वो बोली, ये एक्टिंग, ये नौटंकी, ये थर्ड क्लास चाल में वो थर्ड क्लास लड़कियां पढ़ती होंगी जिनको तुमने आजकल कॉलेज की न्यू बॉर्न स्टार बना रखा है। मैंने कहा, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोली, कम ऑन, तुम जैसे जोकर ना मैं रोज देखती हूँ। ये फिल्मी डायलॉग, ये झूठी तमीज, ये झूठी तारीफें, सब कुछ झूठ। जितनी तुम्हारी उम्र है ना बेटा, उतने में लड़के घुमा चुकी हूँ। तुम्हारे जैसे भालू रोज मेरे आगे पीछे नाचते रहते हैं। पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ। मजा आता है जब ओपोनेंट अपनी प्रोफाइल पढ़कर सुना रहा हो, अपने बारे में जानकारी दे रहा हो। मैं उसके मुंह से निकले हर लफ्ज को सच मान रहा था, ध्यान से सुन रहा था, मुझे उसके हर अदा को समझना था। ये तो बस पहला चैप्टर है। और अच्छी बात है, लड़की घुमा चुकी है, मुझे भी नादान लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बोली, मिस्टर अपनी एक्टिंग का पिटारा उठाओ और चलते बनो यार, दोबारा नजर आए तो मुंह तोड़ दूंगी। मेरा कॉन्फिडेंस ना तारीफ सुनकर ऊपर जाता है, ना गालियां सुनकर नीचे जाता है। मैंने उसी अंदाज में कहा, वैसे कहना पड़ेगा, जितनी अच्छी तरह तुमने मुझे समझा है, उतनी अच्छी तरह किसी लड़की ने मुझे नहीं समझा। उसने इबादत में अपने दोनों हाथ उठाए और खुदा को नीचे खींचते हुए बोली, ओह स्टॉप दिस पैंग, अभी के अभी बंद करो ये सब। तुम ये सब कैसे कर लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बोलती रही, मैं चुप रहा। वो बोलती रही, मुझे चिढ़ है तुम जैसे लोगों से। आई मीन तुम्हारी लाइफ है, जैसे मर्जी जियो, मुझसे दूर रहो बस, प्लीज लीव, जाओ यहाँ से। मेरी टांगे किसी चट्टान की तरह वही गड़ी थी। कुछ सोचते हुए मैंने कहा, ओह मैं समझ गया क्या बात है। उसने मुंह खोला और एक आंख निचोड़ती हुई बोली, कितने बेशरम हो तुम, और क्या समझ गए हो? जिस दीवार पर वो कोहनी रखकर खड़ी थी, उस दीवार पर मैं पीठ टिकाकर आराम से खड़े होकर मैंने कहा, तुम मुझसे डर गई हो। उसने मेरे गेम में एंटर किया। व्हाट? मैंने कहा, हाँ, तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुम्हें भी पटा ना लूं, और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का सोच सोच कर ही नर्वस हो रही हो, घबरा रही हो। एक्चुअली तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं हो। एक्सक्यूज मी, तुम जैसे लो स्टैंडर्ड सड़क छाप रोमियो मेरे स्टैंडर्ड के आसपास भी नहीं है। अरे मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें दो दिन में पटा सकता हूँ। उसने मुझे ऊपर से नीचे की ओर देखा और बोली, हाउ डेयर यू, क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना जरा। मैं थोड़ा घबराते हुए कहा, वो मैं कह रहा था अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक हफ्ते में पटा सकता हूँ। अभी तुमने कहा दो दिन, हाँ सॉरी, थोड़ा जोश में आ गया था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर फिर पूछा, एक हफ्ता? मैंने सोचने का नाटक करते हुए कहा, हाँ सॉरी, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता, पर एक हफ्ता मेरे लिए काफ़ी है। तुम पागल हो, है ना, साइको। देखो जो भी है, जाओ यहाँ से, मेरे हैंडसम निस्से कहीं घायल ना हो जाना। जाओ जाओ, नहीं तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, फिर मेरे पीछे पीछे भागोगे। बॉलीवुड की सबसे घिसी पिटी लाइन है ये। बाय द वे, किस हीरो को फॉलो करते हो तुम? मैंने कहा, ऋतिक रोशन। तुम नशा करते हो, है ना, वो नस काटने वाले लड़के, वही हो ना, वही हो ना तुम? हाँ मैं वही हूँ। बचाओ अपनी जान, जाओ घर, ताला लगाओ और रजाई में मुंह छुपा कर सो जाओ। तुम डर गई हो, मैं किसके बाप से नहीं डरती। जितना तुम डर रही हो ना, दो दिन क्या, तुम दो मिनट में पड़ जाओगी।